दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा सच बताने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद आपके पैरों तले मिट्टी खिसक जाएगी। वो क्या है? जो बाजार से आप चीनी खरीदते हो, ये चीनी है, इसका वेट 2 किलो है। इस चीनी में एक ऐसी चीज मिलाई गई है जो आप इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते हो। इसमें क्या है? इसमें केमिकल्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो प्लास्टिक के हैं, जो कि गर्म पानी में घुल जाते हैं और ठंडे पानी में घुलते नहीं हैं। वो हम आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं इसमें क्या है। आपके सामने चीनी रखी हुई है, चीनी मैंने देखी सर, मैंने इसमें चीनी ली, एक छोटे से छोटा गिलास है, कांच का ज़्यादा बड़ा नहीं है। इस कांच के गिलास में मैंने इतनी चीनी डाली और ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से ज़्यादा ज़्यादा आपकी 50 ग्राम भी नहीं होगी। अब इसमें क्या करते हैं, हम इसमें थोड़ा पानी डालते हैं। देखिए, इसको पानी में घोलते हैं। इसमें पानी डाला मैंने और इसको पानी में मैंने चीनी को घोला। आपके सामने दिखा रहा हूँ किस तरह प्लास्टिक के छोटे छोटे कण हमारे इस चीनी से निकलकर बाहर आते हैं। ये प्लास्टिक के कण इतने खतरनाक हैं कि आपके शरीर में कैंसर जैसी बीमारियाँ पैदा कर सकते हैं। सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इस मैसेज को देखने के बाद अपने सभी ग्रुप में इसको आप भेजें ताकि लोगों के पास ये मैसेज पहुंच सके। देखिए, मैंने इसमें पानी को थोड़ा कम कर रहा हूँ ताकि अच्छी तरह से घुल सके, और भी मैं इसको इधर घोल रहा हूँ। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, मैं इसको घोल रहा हूँ और ये जो प्लास्टिक के कण हैं ये ठंडे पानी में घुलते नहीं हैं, जबकि चीनी को देखो घुल चुकी है ठंडे पानी में और ये नहीं घुलते हैं। ये प्लास्टिक के कण जब आप चाय बनाते हैं तो ये गर्म पानी में ऑटोमेटिक घुल जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता है कि इसमें प्लास्टिक के कण हैं या नहीं भी हैं। ठीक है सर, सब मैंने घोल लिया है और इसको मैं छान रहा हूँ छन्नी से, सारा मैंने इसमें उड़ेल दिया। देखिए, अब आपको प्लास्टिक के कण दिखाते हैं कितने हैं। थोड़ा पानी भी और इसमें साफ करते हैं डाल के। देखिए सर, आपके सामने देखिए ये जो कड़ दिख रहे हैं, ये देखिए ये प्लास्टिक के जो कड़ है, ये देखो ये प्लास्टिक के कड़ है, ये देखिए सर प्लास्टिक के कड़ मिले हुए हैं आपके इसमें, ये सर इसे प्लास्टिक के कड़ है। देख रहे हैं किस तरह चीनी में ये प्लास्टिक कण मिलाए जाते हैं ताकि चीनी का वजन बढ़ जाए। और देखिए ये सारे प्लास्टिक के कण हैं, ये मैंने थोड़ी चीनी ली थी उसमें इतने निकले हुए हैं, और जब मैं पूरे 2 किलो चीनी को घोलूंगा तो इसमें कितने निकलेंगे आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने 1 गिलास पानी में घोल के देखा था तो ये सब प्लास्टिक के कण दिख रहे हैं आपको, ये सारे प्लास्टिक के कण हैं, ये आपके शरीर में बहुत खतरनाक बीमारी पैदा कर देंगे। तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस मैसेज को सभी के पास पहुंचाएं और ताकि लोग जागृत हो जाएं। देखिए सर, फिर आपको दिखाते हैं एक बार के लिए, सब प्लास्टिक के कण आपको दिख रहे हैं, ये सब प्लास्टिक के कण हैं, इस सारे देखिए आप सर, ये घुले नहीं हैं। इनको आप दबाएंगे, दांतों से दबाएंगे, ये फूटेंगे नहीं, कैसे भी दबाओ इनको, कैसे भी दबाओ ये फूटने वाले नहीं है। चीनी में कितनी मिलावट हो रही है, तो इस मैसेज को सर अधिक से अधिक सबके पास भेजें और बताएं कि चीनी खरीदते समय उसको इस तरह प्रैक्टिकल करके देखें कि मिलावट तो नहीं है। इस पानी को व्यर्थ ना जाने दें, इस पानी को बचा लें ताकि आपके किसी काम में आ जाए। मैं तो यहाँ पर व्यर्थ मैंने बहा दिया है। ओके सर, इतना ही बताना चाहूँगा।